नमस्कार, हेल्दी किचन नवाजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ बेसन सेव की नमकीन। तो चलिए देखते हैं बेसन की सेव नमकीन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है। इस कप से मेज़र करके आप कौन सा भी कटोरी या फिर मेज़र कर सकते हैं उससे। 2 कप बेसन है, 1 टीस्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ले लें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 3 टेबल स्पून यहाँ पर रिफाइंड ऑयल है इसमें आटा गूंथने के लिए, और ये सेव फ्राई करने के लिए यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है, और ज़रूरत के अनुसार पानी लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर, अजवाइन को थोड़ा सा ऐसे क्रश करके डालें, इससे अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ों को। इसमें डाल देते हैं तेल, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले हमें स्मूथ बैटर तैयार करना है। तो पानी ज़्यादा एक साथ ना डालें, इसमें बहुत ही कम पानी यूज़ में आता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले हमें आटा तैयार कर लेना है। तो अब इसे हम हाथ की सहायता से अच्छे से गूंथ लेंगे। तो हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसे अच्छे से हाथ की सहायता से अच्छे से सॉफ्ट गूंथ कर तैयार कर ले। तो इसमें लगभग 2 से 3 बड़ा चम्मच पानी ही लगा है, ज़्यादा पानी नहीं लगा है। तो इसे अच्छे से हल्का हल्का तेल से हमें हाथ में तेल लगा लगा कर अच्छे से सॉफ्ट गूंथ कर रेडी कर लेना है। तो हमारा बैटर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है सेव मेकर, आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील में भी आता है, इसमें भी आता है। तो इसको पहले हमें अंदर से ग्रीस कर लेना है। तो हाथ पे ऐसे तेल लगा लें और इसको अच्छे से अंदर से ग्रीस कर दें दोनों साइड से, और जो साँचा है उसमें भी कर दें। अब इसको हम फिट कर लेंगे इसमें। तो इसको ऐसे लगा लें, इसमें बहुत सारी आती है साँचे जिसमें इसमें 6 पीस होते हैं छोटा बड़ा। तो इसमें मैंने मीडियम साइज का लिया है। अब इसको हम बिठा लेंगे। तो ये हमारा बैठ गया। अब इसमें हम जो इसमें ढक्कन है इसमें भी लगा देंगे थोड़ा सा तेल, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड, और इसको सिलेंड्रिकल शेप में हम पहले बना लेंगे। अब इसको हम इसमें फिल कर देते हैं। तो इसे मैंने बंद कर लिया है, और यहाँ पे मैंने गैस पे तेल चढ़ा दिया था ताकि तेल हमारा गर्म रहे। तो हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम हॉट तेल चाहिए। तो तेल हमारा गर्म है, अब हम डालना स्टार्ट करते हैं। तो एक हाथ से पकड़ लें इसको, और तो इसे हम ऐसे हल्के हल्के हाथों से आराम से, तेल बहुत गर्म है करके हमें सेव निकाल लेना है। तो इसे इसे 1 सेकंड के लिए हमें छोड़ देना है। जब ये थोड़ा सा ये हो जाए फिर इसको हम पलट देंगे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। तो मैंने तेल कम लिया है इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो इसे हल्का सा इसका कलर चेंज करने तक हमें मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है, जब तक ये कुरकुरा हो जाए। तो इसे ज़्यादा समय नहीं, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं फ्राई होने में। तो इसे हल्के हल्के चला चला के हमें फ्राई कर लेना है पहले। तो हमारी सेव नमकीन बनकर तैयार हो गई, इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह सभी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह हमें अभी सेकेंड फ्लेम में डाल दे रही है, और इसी तरह हम सारे हमें सेव बना लेने हैं। आराम से कीजिएगा।
एक बार में मैं थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ, बिकॉज मैंने तेल थोड़ा ही लिया है। आप तेल ज़्यादा लेके ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। फिर से पलटेंगे, तो इसे हम पलट देते हैं। अब आराम से, तो इसे मैंने पलट दिया है, अब इसे मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्राई करने में। अब इसे फ्राई करके फिर हम निकाल लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हुए, हमारा सेव अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल देते हैं। और इसी तरह हमें सारे सेव को बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सेव मेकर से बना के दिखाया है। अब आपको मैं एक आइडिया और बताऊंगी, अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप ये छोटा जो तो अपना ये कद्दूकस होता है, इससे भी आप बना सकते हैं। तो कद्दूकस को ऐसे ले और सावधानी से ऐसे इसको हाथ हथेली में बेसन का एक ये ले और इसको ऐसे 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 आप रब करते जाइए, आराम से ये इजीली निकलते जाएगा। सो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, हल्का सा। अगर आपके पास ना हो और आपको घर का नमकीन खाना हो तो आप ये ऐसा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जब मेरे पास नहीं था तो मैं ऐसे ही बना के, बच्चों को अगर भूख लगती थी घर का कुछ नमकीन तो मैं ऐसे ही बना के उनको दे देती थी। बाहर का अवॉइड करें आप बच्चों को खिलाना, आप थोड़ी सी मेहनत करके घर का बना के खिला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, बिना इसके भी मैंने यहाँ पे बना दिया कुछ नमकीन। इसे 1 सेकेंड के लिए हमें छोड़ना है ऐसे ही। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो लीजिए, तैयार है हमारी बेसन की सेव की नमकीन। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये सांचे से बनाया है और ये बिना सांचे से मैंने कद्दूकस से बनाया, छोटे वाले कद्दूकस से। ये भी बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपके पास मशीन ना हो और बच्चे खाने के लिए ज़िद करें तो बाहर का मत लाइए प्लीज़। आप ऐसे ही बना के उनको दे सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन आप उन्हें हेल्दी खिला सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारे बेसन की सेव नमकीन, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगे हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।